सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा भालोटिया मार्केट में सील की गई 4 दुकानों को फिर से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को जिलाधिकारी तथा एसएसपी ने भालोटिया मार्केट का निरीक्षण किया था, जिसमें दुकानदारों द्वारा गैलरी में किए गए कब्जे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर 4 दुकानों को सील कर दिया गया था, जिसको लेकर दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से दुकान खोलने का अनुरोध किया था, जिसके तहत शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर अपर नगर मजिस्ट्रेट सुरेश राय और ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान का सील खुलवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, चलिए योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। दो दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय मार्केट में जायजा लेने के लिए आए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से हो रहा, तो उन्होंने देखा कि कुछ गंदगी मार्केट में थी और कुछ दुकानों पे गैलरी में गत्ते लगे हुए थे, जिनकी वजह से थोड़ा सा उनको दिखाई दिया कि नहीं जाम की वजह है। तो एक दो बार इंस्ट्रक्शन दे चुके थे, तो उन्होंने 3-4 दुकानों पे जहाँ गत्ते ज़्यादा लगे हुए थे, तो बातचीत के दौरान उन्होंने सील करने का आदेश दे दिया 3-4 दुकानों में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, गत्ते की वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर फिर हम लोग गए जिलाधिकारी महोदय से कल मिला कि सर क्या प्रॉब्लम हो गई, कैसे हो गई, चूँकि कोरोना की जब से वैश्विक महामारी है, जब से चल रहा है, हम लोग भालोटिया मार्केट में पूर्ण कोशिश किए हुए हैं कि हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, हाथ धुला जाए लोगों का, और बैरिकेटिंग कर रखा है, गाड़ी बाहर निकल रखी है, तो पूरा प्रयास है हमारे मार्केट का। और ये मार्केट का इतना अच्छा प्रयास रहा है कि सर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करेंगे, सभी लोग मास्क लगाएंगे और साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। इन बातों का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, कल जो है आपकी 4 दुकानें खोल दी जाएंगी। उन्होंने अपर सिटी मजिस्ट्रेट और ड्रग इंस्पेक्टर आज सुबह 11 बजे आए थे मार्केट में, और सारे दुकानों से एक बात हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मेरे महामंत्री आलोक चौरसिया जी भी थे, तब मार्केट के तमाम लोग थे, हम लोगों ने संयुक्त रूप से आह्वान किया कि मार्केट में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि वैश्विक महामारी है और सब लोग इससे त्रस्त हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिनों दिन ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो बिना मास्क लगाए आए तो कोई उसको कतई दवाई न दे, उसको मास्क की व्यवस्था करें। उसको हमारे यहाँ मास्क भी अमर मेडिकल एजेंसी पर रखा हुआ है, जो जिसके पास भी मास्क नहीं है उसको फ्री में दिया जाता है, और हाथ धुलने की व्यवस्था भी है मार्केट में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्णतया प्रयास हो रहा है और किया भी जा रहा है, जिससे कि वैश्विक महामारी फैल ना पाए। और साफ सफाई के लिए नगर निगम से भी वार्ता हुई है, व्यापारी भी जागरूक हैं। तो इन सब मुद्दों को लेके आज एक आह्वान भी हुआ, जिला प्रशासन के जो अपर सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार राय जी आए थे, ड्रग इंस्पेक्टर बिजनेस ड्रग इंस्पेक्टर हमारे जयसिंह जी, दुकानदारों के लिए अगर उसके बाद कोई नियम तोड़ता या पालन नहीं करता तो क्या? नहीं, ऐसा कोई चेतावनी भरा लहजा नहीं था, और उनका आदेश था, एक तरीके से निर्देश था कि शहर आपका है, सुरक्षा आपका दृष्टिकोण है, तो आइंदा इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जिन चीज़ों को लेके ये सारी कवायद हुई है, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें।